बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं जनाब आप तमाम दोस्तों भाइयों बुजुर्गों बहनों और बच्चों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अब ये जो वक्त है ये उम्मत मुसलमान की एक होने का वक्त है और एक मुसलमानियत का जो अपने अंदर पैदा करें। आप लोग घरों में बैठकर इस्तग़फ़ार करें और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह वर्द करें, दुरूद पाक पढ़ें, हौसला करें और अपने अंदर जज्बा ईमानी को पैदा करें। खुदारा अब भी गाफल मत रहें वरना क्यामत अब नज़दीक है। अल्लाह हाफिज़ नासिर। मतलब महदूद हद तक वो लोग महदूद हो चुके हैं तो वो भी परेशान है, तो वो भी परेशान ना हों बल्कि वो घर में रह के कसरत से इस्तग़फ़ार करें। और ये जो जिम्मेदारियां अभी हम पे आ गई हैं, हमारे जो सरकारी जो जितनी भी इंतज़ामिया है वो भी इसमें उतनी ही शामिल होने की हकदार है। हर इदारे को अब इस्लामिक सिस्टम में आना पड़ेगा, ये अब इस वक्त की ज़रूरत बन चुका है वरना क़यामत बिल्कुल नज़दीक है, उसके बाद किसी को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। तो लिहाजा अगर हम लोग ड्यूटियों पे हैं, हम लोग आपकी हिफाजत के लिए मामूर हैं, हम लोग आपको अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप लोग अपने घरों की हद तक महदूद रहिए, घर से फजूल बाहर मत निकलिए। तो आप लोग खुदारा अपने घरों में रहिए, घर में रहने से आपकी फैमिली भी सेफ है और आप लोग खुद भी सेफ हैं। हम लोग इस वक्त ड्यूटियों पे इसीलिए मौजूद हैं कि यार आप लोग सेफ रहें और सेफ्टी करें। घर से जब भी बाहर निकलें आप लोग लाजम मास्क का इस्तेमाल करें। तो आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है कि आप अच्छा ताहिर भाई मेरे आपसे ना कुछ सवाल हैं। ये कोई ना शिकवा है ना शिकायत है ना कोई किसी चीज पे मतलब कहते हैं ना तंज करने वाली बातें हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी जी जरूर जरूर। वो मैं सवाल है, आपने जवाब चले दिए हैं लेकिन फिर भी मैं दोबारा आपसे पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है कि अल्लाह ताला अगर आपको बचा के रखना चाहे जी जी तो वो आपको मार सके। कोई भी ऐसी चीज नहीं है सर, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। और दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है कि अगर वो आपको मारना चाहे तो कोई आपको बचा सके? वो अल्लाह ताला की जात है भाई। ये कौन सा डर है जो हमारी हुकूमत हमारे दिलों में हमारे खानदानों के दिलों में बिठा रही है कि आप अपने बच्चों को बचा लो, आप इसको बचा लो? देखें जी मेरी एक बात है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि हाथ कैसे धोने। अभी एक नॉन मुस्लिम तबका हमें यह बताएगा कि हाथ कैसे धोने। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये बैंक खोल के दुकानें खोल के मस्जिद को बंद करके हमें कौन सी जिंदगी है जो नहीं ये देने वाले हैं, जिसने दी हुई है वो लेने वाला है। ये क्या चक्कर क्या है ये मुझे आप समझा सकते हैं? इम्तिहान आ गया जो मुस्लिम उम्मा है ना, इस पे अब इम्तिहान आया। इससे पहले ये चीन में था, ये बरतानिया में था, ये दूसरे मुल्कों में था। अच्छा जी, चीन के हालात आप ज्यादा वाकिफ होंगे लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जिस वो इलाके में था ना जी, जी चाइना के उस इलाके से ये वायरस बाहर नहीं आया सर। उन्होंने सेफ्टी की है जनाब। अच्छा, इस वायरस का मेरी बात सुने, आप जो कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ने ये एहतियाती तदाबीर नहीं, मतलब ये जो लोग शक बिठा रहे हैं कि ये जी ऐसे फैल जाता है, ये बंदे चोरी से भाग जाते हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये जो हुकूमती तदाबीर है हाँ जी, ये इसलिए इख्तियार करने का बताया गया है कि देखें अगर आज लॉकडाउन किया गया है उसकी वजह यह है कि जो लोग बैरूने मुल्कों से इस मुल्क में आए हैं उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से नहीं निभाया, और जो हमारी वफाक की गवर्नमेंट है उसने भी उनको जब पता चल गया था कि ये जो वबा है ये पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है आ रही है, उनको इंतजाम करने चाहिए थे। मैं ये कोई पोलिटिकल इसमें एडवाइस नहीं दे रहा ना ही कोई बयान दे रहा हूँ, बल्कि जो हकीकत है वही बात होगी क्योंकि इस वक्त हकीकत से हटकर आप कोई बात भी नहीं कर सकते। बात सीधी सी ये है सर, जब बैरूने मुल्कों से बंदे आए हैं, चाहे वो तफ्तान से आए हैं, चाहे वो इटली से आए हैं, यूरोप से हैं, वो भी हमारे भाई हैं, मगर उनकी यह जिम्मेदारी बनती थी कि वो लोग अपने टेस्ट करवा कराएं, अपनी स्क्रीनिंग करवा कराएं, अपने घरों में मत आए।
ये उन्होंने उनकी भी गलती है, हमारी वफाकी गवर्नमेंट की भी गलती है और ये हमारे हर उस इदारे की गलती है। इसमें कोई भी इदारा नहीं बचता, ये सबकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस मुदी वबा को पाकिस्तान से दूर रखा जाए। अगर बंदे आते भी हैं तो उनके लिए गवादर में जगह बन जाए, कतरीना बन जाए। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, ये जितने फाइव स्टार होटल हैं ये कतरीना बनने चाहिए थे, ये बनने चाहिए थे फाइव स्टार होटल। जो जो बड़ी बड़ी जो लोगों की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जो लोग अमीर तबके हैं, ये इनको इनके घर भी कतरीना बनने चाहिए थे। वज़ीर आज़म साहब जो पाकिस्तान है वो जो उसको यूनिवर्सिटी तो नहीं बना सके, मगर इसको पीएम हाउस को जो पाकिस्तान का है उसको वो कतरीना ज़रूर बनाएं, ताकि जो लोग मरीज़ हैं वो सुकून से अंदर रहें और उनकी तबीयत जल्दी सही हो। जैसे तफ्तान में उनको टेंट लगा कर दिए गए, उनकी वाशरूम नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है, कुछ नहीं है, वो लोग वहाँ से भागे हैं, इसलिए लोग भागते हैं और कोई भी वजह नहीं है। अच्छा तो ये क्या है कि ये आपको ये बता रहा हूँ, जो हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया वो बिल्कुल दुरुस्त बताया है, क्योंकि हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकते। अच्छा, तो मेरी आपसे भी यही गुजारिश है कि जनाब इसका मसला, ये सब मसले के मसाइल हैं, ये हमारे खुद के बनाए हुए हैं, ये किसी दूसरे के नहीं बनाए हुए। ये बीमारी है, ये खुद